Hello everyone, today we are going to study our last topic of first vibration measuring instruments. सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि इसका रीज़न क्या है कि हम इस मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स को डिज़ाइन करें, उसको यूज़ करें. तो पहला जो हमारा पॉइंट है, जो हमारी पहले हेडिंग है, रीज़न फॉर वाइब्रेशन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स. दिस रीज़न फॉर वाइब्रेशन, ये पहला पॉइंट है. आजकल कंपटीशन इतना है, रिक्वायरमेंट इतनी है मार्केट में कि प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना पड़ता है. और प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए क्या ज़रूरी है कि जो हमारी मशीन्स हैं, हमें उसकी स्पीड को इंक्रीज़ किया जाए, ऑपरेटिंग स्पीड को इस हिसाब से मशीन डिज़ाइन किया जाए कि उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो. जब हम स्पीड को ज़्यादा इंक्रीज़ करते हैं तो उस केस में क्या होता है कि रेजोनेंस की कंडीशंस जो है मोर फ्रिक्वेंट अकर हो सकती है. तो उस केसेस को वो अकर ना हो, ठीक है, उसकी टाइमली चेकिंग होती रहे कि जो हमारी स्पीड है ऐसे तो नहीं हो रही कि उसका डिस्प्लेसमेंट ऐसा तो नहीं हो रहा है, फ्रीक्वेंसी जो जनरेट हो रही है वो ऐसे तो नहीं हो रही है कि वो हमारा क्या रेजोनेंस की तरफ मूव कर रही है. तो उसके लिए क्या है, हमें पीरियोडिकली जो है मेजरमेंट करना पड़ता है वाइब्रेशन करेक्टरिस्टिक्स की, मशीनरी की, स्ट्रक्चर की. किस लिए? ताकि वो सेफ्टी हमारी मेंटेन रहे. अदरवाइज़ क्या होगा, अदरवाइज़ हमारा क्या हो सकता है, वो ब्रेकडाउन हो सकता है, मशीन का ब्रेकडाउन हो सकता है, प्रोडक्शन रुक सकती है. तो ऐसे बहुत सारे रीजन हैं जिसके कारण क्या हमें इसको वाइब्रेशन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करना पड़ता है. सेकंड पॉइंट क्या है कि हम जो करेक्टरिस्टिक्स हमने अभी तक फोर्स वाइब्रेशन या वाइब्रेशन करेक्टरिस्टिक्स स्टडी करते हैं वो हमारी थियोरेटिकली कंप्यूटेड होती है. मतलब हमने उसको ड्राइव करके फॉर्मूले से वैल्यू निकाल के उसके बेस पर स्ट्रक्चर या मशीन को डिज़ाइन किया होता है, ठीक है, उसके शॉक अब्जर्वर डिज़ाइन करते हैं. जब प्रैक्टिकल सिचुएशन में उसको हम यूज़ करते हैं तो उस केसेस में कई बार क्या होता है कि जो हमने अजम्पशंस लेके वो एनालिसिस की हुई थी जिसके बेस उसको डिज़ाइन किया, वो कई बार कह देता है कि हाँ ये अजम्पशन हमारी रोंग है, ठीक है. तो उस केसेस के लिए हमें उसको दोबारा से मेज़र करना पड़ता है ताकि हम अपने वाइब्रेशन सिस्टम को हम दोबारा से रीडिज़ाइन करके फिर से उसकी प्रॉपर्टी को इम्प्रूव कर सकें. इसलिए हमें क्या है, उसको वाइब्रेशन को मेज़रमेंट करना पड़ता है. थर्ड पॉइंट क्या है कि जैसे हमें वाइब्रेशन अर्थक्वेक की वाइब्रेशंस क्या है, वेलोसिटी विंड वेलोसिटीज़ क्या है जिसके स्ट्रक्चर पे क्या फ़र्क पड़ता है, ओशन वेव्स की वाइब्रेशन क्या है जिससे हमारा अगर कोई हम ओशन थर्मल पावर जनरेट कर रहे हैं उसके कारण हमारे मशीनरी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, और रोड सरफेस वगैरह की प्रोफाइल के कारण हमारा जो मोबाइल की स्ट्रक्चर ऑटोमोबाइल स्ट्रक्चर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है. इन सब चीज़ों को डिज़ाइन करने के लिए, उसके सस्पेंशन सिस्टम को डिज़ाइन करने के लिए, मशीनरी डिज़ाइन करने के लिए हमें क्या है, वाइब्रेशन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है ताकि हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को और बेटर समझ सकें और उसमें और फर्दर इम्प्रूवमेंट कर सकें. तो ये सब हमारे क्या है, वाइब्रेशन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के रीजन, हमने उसको यूज़ क्यों करना है. तो ये सब हमारे रीजन्स थे, और भी फर्दर बहुत सारे रीजन हैं, बट ये हमारे जो है कुछ इंपॉर्टेंट रीजन्स हैं जिसके कारण हमें ये लगता है कि हाँ भाई ये इंपॉर्टेंट रीजन जिसके कारण हमें वाइब्रेशन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज़ करते हैं. नेक्स्ट वन इज वाइब्रेशन मेजरमेंट स्कीम. वाइब्रेशन मेजरमेंट स्कीम मतलब कि अगर हमें किसी सिस्टम की या मशीन या स्ट्रक्चर की वाइब्रेशन को मेज़र करना है तो उसका पूरा एक प्रोसीजर क्या है. देखिए सबसे पहला ये फर्स्ट वन, ये हमारा जो मशीन्स और स्ट्रक्चर है, क्लियर, उस मशीन स्ट्रक्चर, सपोज़ ये हमारा क्या है, मशीन है, इसके ऊपर हमें एक पिकअप, वाइब्रेशन पिकअप को रखना होता है, वाइब्रेशन पिकअप या एक ट्रांसड्यूसर को रखते हैं, ठीक है. ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये होता क्या है. अब इससे क्या होता है, हमें इलेक्ट्रिकल आउटपुट मिलता है, एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल. और ये मतलब सेकेंड, ये तो हमारा फर्स्ट हो गया, ये हमारा सेकेंड हो गया, क्लियर. इससे जो हमें आउटपुट मिला इसको हम क्या करते हैं, इसको हम कन्वर्ट करते हैं, क्लियर, कन्वर्ट करते हैं स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स में, क्योंकि जो आउटपुट आता है ये बहुत वीक सिग्नल होता है, वीक इलेक्ट्रिकल सिग्नल होते हैं. ट्रांसड्यूसर क्या करता है, इस मशीन से जो हमें डिस्प्लेसमेंट मिल रही है या वेलोसिटी मिल रही है, एक्सेलरेशन मिल रहा है, उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है. अब वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ये जो आउटपुट ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं ये बहुत वीक होती हैं, इसको हम कन्वर्ट करते हैं एम्पलीफायर के थ्रू स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स में, क्लियर. ये हो गया मेरा कन्वर्जन यूनिट 3, क्लियर. अब इस कन्वर्जन यूनिट से हमारा कहाँ जाएगा, डिस्प्ले पे. कहाँ पे जाता है हमारा, डिस्प्ले यूनिट, मतलब जहाँ पे हम रीडिंग लेते हैं, और या उसको
रिकॉर्ड करते हैं या कंप्यूटर डाटा में इसको कंप्यूटर में इसको स्टोर कर लेते हैं, ये सब हमारे क्या होता है डिस्प्ले में। देन उसके बाद ये हमारा हो गया फोर्थ, डिस्प्ले क्या हो गया हमारा फोर्थ। देन फिफ्थ पे आता है हमारा डाटा एनालिसिस। डाटा एनालिसिस मतलब हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी करते हैं, ये हमारा होता है फिफ्थ पॉइंट। ठीक है, तो ये हमारे स्टेप्स हैं। सबसे पहले कि जिस मशीन्स और जिस भी स्ट्रक्चर पे हमें वाइब्रेशन एनालिसिस करनी है उसके उसको हम उस पिकअप के साथ वाइब्रेशन ट्रांसड्यूसर के साथ कॉन्टैक्ट में लाते हैं। जब हम उसके कॉन्टैक्ट में आते हैं तो उससे हमें सिग्नल्स मिलते हैं, वीक इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं स्ट्रॉन्ग हाई या स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स में। वो सिग्नल्स को हम रिकॉर्ड करते हैं डिस्प्ले यूनिट के थ्री, रीडिंग ले लेते हैं, कंप्यूटर ट्रांस सेव कर लेते हैं और फर्दर फिर हम उसके ऊपर एनालिसिस करके उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। तो ये होता है हमारा वाइब्रेशन मेजरमेंट स्कीम्स। तो अगर आपको कभी भी मतलब कोई भी सिस्टम डिज़ाइन करना है वाइब्रेशन के बेसिस पे, उसकी मेजरमेंट लेनी है, तो इन स्टेप्स को आपको फॉलो करना होता है। नेक्स्ट इज सीज़मिक इंस्ट्रूमेंट या फिर वाइब्रेशन पिकअप। देखिए ये हमारी इंपॉर्टेंट फिगर है, इस फिगर को समझिए। ये जो मेरा ये केसिंग है, ये वाली केसिंग है, ये वाइब्रेटिंग बॉडी नहीं, ये जो हमारी केसिंग है पर्पल कलर में, क्लियर, इस केसिंग को ही हम बोलते हैं सीज़मिक यूनिट या सीज़मिक इंस्ट्रूमेंट या फिर वाइब्रेशन पिकअप। इसमें क्या होता है, एक मास होता है, ये मास स्प्रिंग और या फिर डैम्पर या दोनों के थ्रू हमारा इस वाइब्रेटिंग बॉडी, ये वाइब्रेटिंग बॉडी है क्लियर, जिस पे हमने जिसका हमने करेक्टरिस्टिक्स ऑब्टेन करनी है, इस वाइब्रेटिंग बॉडी के साथ में हम इस वाइब्रेटिंग बॉडी के साथ में ये जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है, ये वाला, ये ठीक है, ये हमारा सीज़मिक इंस्ट्रूमेंट है। इस सीज़मिक इंस्ट्रूमेंट के अंदर क्या क्या होता है, इसके अंदर एक मास होता है क्लियर, ये मास स्प्रिंग और डैम्पर के थ्रू इस केसिंग के साथ कॉन्टैक्ट में होता है। जब इस और इस सीज़मिक जब ये सीज़मिक मास स्प्रिंग डैम्पर के थ्रू इस वाइब्रेटिंग बॉडी के साथ में कॉन्टैक्ट में होता है, ठीक, तो अगर आपको याद हो हमने सपोर्ट मोशन का केस पढ़ा था, उस सपोर्ट मोशन में क्या था, मास स्प्रिंग डैम्पर और ये मेरा सपोर्ट था। जब ये सपोर्ट मेरा वाइब्रेट हुआ वाई, उसके कारण ये मास हमारा एक्स डिस्प्लेस हुआ क्लियर, इट मीन इस सपोर्ट के कारण इस मास की डिस्प्लेसमेंट, ये हमारा वही चीज़ है, ये मास है मेरा, ये स्प्रिंग है स्टिफनेस, ये डैम्पर है सी और ये वाइब्रेटिंग बॉडी जब मेरा वाई डिस्प्लेस हो रहा है तो ये मेरा मास क्या है, एक्स डिस्प्लेस हो रहा है क्लियर। और इन दोनों का डिफरेंस क्या था, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट x माइनस वाई इक्वल टू जेड। तो यहाँ पर हमें ये जो पिंक कलर का एरो है ये हमें रीडिंग देता है जेड। जब हमें ये जेड रीडिंग मिलती है तो इस ट्रांसड्यूसर में जब इस जेड की रीडिंग इस ट्रांसड्यूसर के थ्रू ये ट्रांसड्यूसर है इसके थ्रू ये एक आउटपुट इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाती है क्लियर। यही हमने अभी अपने ऊपर के स्कीमेटिक डायग्राम में देखा था कि पहला हमारा वाइब्रेटिंग बॉडी होता है, दूसरा हमारा वाइब्रेशन पिकअप होता है क्लियर, जिसमें ट्रांसड्यूसर लगा होता है जिसके कारण उसमें हमें एक वीक आउटपुट इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिलता है। फर्दर इसका स्टेप अलग है कि उस आउटपुट इलेक्ट्रिकल सिग्नल को हम मैग्नीफाई करते हैं, देन उसको डाटा को रिकॉर्ड करते हैं, देन उस पर एनालिसिस करते हैं, वो अलग चीज़ है। तो हमारा सीज़मिक इंस्ट्रूमेंट या वाइब्रेशन पिकअप क्या है, ये कुछ नहीं होता है, इसमें एक सीज़मिक मास होता है, एक स्प्रिंग होता है, एक डैम्पर होता है और जो वाइब्रेटिंग बॉडी के साथ कॉन्टैक्ट में होता है, वाइब्रेटिंग बॉडी की डिस्प्लेसमेंट के कारण वो मास डिस्प्लेस होता है, उस दोनों के रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट को ट्रांसड्यूसर जो है एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, ये हमारा क्या होता है, वाइब्रेशन पिकअप। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ वाइब्रेशन मेजरिंग डिवाइस। देखिए इसको क्लासिफिकेशन क्या है, क्वांटिटी, कौन सी क्वांटिटी मेजर करनी है, इसके बेस पे हम इसका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। अगर हम वाइब्रेशन मेजरिंग से कहते हैं वाइब्रोमीटर भी बोल सकते हैं, एक्सेलेरोमीटर भी बोल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी मीटर भी बोल सकते हैं, ठीक है। अगर हमने उसकी डिस्प्लेसमेंट मेजर करना है तो वाइब्रोमीटर बोल देते हैं, अगर एक्सेलरेशन मेजर करना है एक्सेलेरोमीटर बोल देते हैं, फ्रीक्वेंसी मेजर करना है फ्रीक्वेंसी मीटर बोल देते हैं, वेलोसिटी मेजर करना है वेलोमीटर बोल देते हैं। तो इस तरह से हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट डिवाइस है, तो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वाइब्रोमीटर, एक्सेलेरोमीटर एंड फ्रीक्वेंसी मेजरिंग डिवाइसेस क्लियर। तो सबसे पहले हम देखते हैं वाइब्रोमीटर। देखिए वाइब्रोमीटर एक को हम सीज़मोमीटर बोलते हैं क्लियर, that used to measure the displacement of the vibrating body, ठीक है। अगर हमें vibrating body की सिर्फ displacement measure करनी है तो हमें vibrometer और seismometer को use करना है, ठीक, और इसको हम low frequency transducer भी बोलते हैं
क्लियर, लो फ्रीक्वेंसी क्यों बोलते हैं अभी हम नेक्स्ट आगे देखेंगे, ठीक। अब आपको ये कर्व समझना बहुत ज़रूरी है, ये हमारा एक्स एक्सिस पे है फ्रीक्वेंसी रेशो, क्लियर, और वाई एक्सिस पे है मेरा जेड बाई बी और ए अपॉन एम नॉट ए बाई एम। आपको याद होगा ए अपॉन एम नॉट ई बाई एम ये हमने कहाँ किया था, रोटेटिंग और रेसिप्रोकेटिंग अनबैलेंस में, क्लियर। तो उसके लिए भी अगर आपके पास आता है कि फ्रीक्वेंसी रेशो और रोटेटिंग रेसिप्रोकेटिंग वाला केस आता है, उसमें आपको ग्राफ प्लॉट करना है, तो आपको यही ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक। अगर आपके पास रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट के लिए आता है ग्राफ और फ्रीक्वेंसी रेशो के बीच में, तब भी आपको यही करना है। अगर आपको वाइब्रोमीटर और एक्सेलेरोमीटर के लिए ग्राफ पूछते हैं, तब भी आपको यही करना है। तो आपके पास चार केसेस के लिए यही ग्राफ है, एक्सेलेरोमीटर के लिए यही है, वाइब्रोमीटर के लिए यही है, रोटेटिंग रेसिप्रोकेटिंग डिवाइस के लिए यही है, और सपोर्ट मोशन के केस में जब रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट होगा जेड, तब आपके पास यही आपको ग्राफ प्लॉट करना है, क्लियर। तो चार केसेस वन ग्राफ, ठीक। अब हम इस ग्राफ को समझते हैं। देखिए ये जो हमारा ग्राफ स्टार्ट होता है जीरो रीडिंग से स्टार्ट हो रहा है, जीरो से, क्लियर। अब अगर ये आप फर्स्ट को देखें जीटा जीरो को, ये हमारा क्या है जीटा जीरो, ये लाइन ब्राउन लाइन, ठीक, ये जीरो से स्टार्ट हुआ टॉप तक गया और इनफाइनाइट तक जा रहा है, देन ये हमारा वापस आया, और आने के बाद जब ये वापस आया तो धीरे धीरे करके ये फ्रीक्वेंसी रेशो थ्री के बाद क्या है, इस फ्रीक्वेंसी रेशो थ्री पे अगर आप देखें, ये फ्रीक्वेंसी रेशो थ्री यहाँ पर, क्लियर, तो ये हमारा आगे जाके कहाँ पे मिल रहा है, वन पे, ठीक है, जेड बाई बी जो है हमारा जेड बाई बी क्या है, वन की तरफ जा रहा है, क्लियर। इसी तरह से हमारी ऑरेंज लाइन जीटा इक्वल टू 0.15, ये भी जीरो से स्टार्ट हो रही है और थ्री के बाद ये भी क्या कर रही है, वन पे मर्ज कर जा रही है। ये ब्लू लाइन हमारी जीटा इक्वल टू 0.5 पे भी यही हो रहा है, और जीटा इक्वल टू 1 ये हमारा क्या है, ब्लैक लाइन, ये भी हमारा क्या कर रहा है, जीरो से स्टार्ट हो रहा है और आर ग्रेटर देन 3 के बाद ये हमारा 1 की तरफ मर्ज कर रहा है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि आर ग्रेटर देन 3 एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, इफ़ आर इज़ ग्रेटर देन 3 तब उस केस में अगर हमें फ्रीक्वेंसी रेशो 3 से ग्रेटर मिलता है तो उस सीज़मिक इंस्ट्रूमेंट को हम बोलते हैं वाइब्रोमीटर, क्लियर। और अगर मेरा आर काफ़ी कम है किससे, 1 से, ठीक, अप्रोक्सीमेटली ये 0.5 से कम होता है, तो उस केस में हम इसको बोलते हैं एक्सेलेरोमीटर, क्या बोलते हैं, एक्सेलेरो मीटर। तो अगर आपसे पूछा जाए फ्रीक्वेंसी रेशो ग्रेटर है तो वाइब्रोमीटर होता है, फ्रीक्वेंसी रेशो कम है तो एक्सेलेरोमीटर होता है, ठीक है। हम ये देखेंगे कि भाई अगर ग्रेटर है तो वाइब्रोमीटर क्यों कह रहे हैं, कम है तो एक्सेलेरोमीटर क्यों कह रहे हैं, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे देख भी रहे हैं ये हमारा वाइब्रोमीटर है कब, जब आर ग्रेटर देन 3 है, ये मेरा एक्सेलेरोमीटर है कब, जब ये इस रेंज में है। ये हमने सपोर्ट मोशन के केस में रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट का जो हमने आर्टिकल किया था उसमें हमने ये फॉर्मूला ड्राइव किया था। जेड क्या था हमारा, अगर हम इस सिस्टम की बात करें, मास, स्प्रिंग, डैम्पर और ये मेरा सपोर्ट। अगर ये सपोर्ट मेरा वाई डिस्प्लेस हुआ और उस वाई को हमने कहा था बी साइन ओमेगा टी, तो ये मेरा मास एक्स डिस्प्लेस हुआ था, इस एक्स को हमने बोला था ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा माइनस फाई, क्लियर, हमने इसको कुछ ऐसे नाम दिया था। अब ए और बी, क्लियर, अगर मैं देखूं और हमने जेड लिया था रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, जेड वो क्या था, एक्स माइनस वाई, और जेड था हमारा कैपिटल जेड, ये स्मॉल जेड है, ये आता है हमारा कैपिटल जेड, क्या था मेरा ए माइनस बी समथिंग आया था, तो कैपिटल जेड क्या था मेरा, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट था इस सीज़मिक मास के डिस्प्लेसमेंट का और सपोर्ट के डिस्प्लेसमेंट का, क्लियर। तो ये सपोर्ट पर क्या है मेरा, मशीन है जिसकी वाइब्रेशन मेजर करनी है, ये मेरा सीज़मिक इंस्ट्रूमेंट है जिसको मैंने केसिंग में कर दिया है, इसको मैंने क्या किया है, केसिंग में कर दिया है, क्लियर। अब यहाँ से मुझे जो रीडिंग मिलती है वो जेड मिलती है, जब हमारा इसका डिस्प्लेसमेंट होता है तो ये जो रीडिंग आती है जेड आती है, हम इसको डिज़ाइन ही ऐसे करते हैं कि हमें रीडिंग जेड देगा, क्लियर। तो इसका ये फॉर्मूला था जेड बाई बी, जेड क्या है हमारा रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, बी क्या है मेरा वाइब्रेटिंग बॉडी का डिस्प्लेसमेंट, आर क्या है फ्रीक्वेंसी रेशो, जीटा क्या है डैम्पिंग रेशो, ये फॉर्मूला हमें पता है, ठीक, हमने सपोर्ट मोशन के केस में किया था। जिसने वो आर्टिकल नहीं देखा है वो आई आइकन पे जाकर या मेरे चैनल में जाकर इसको देख सकता है। व्हेन द वैल्यू ऑफ आर इज़ वेरी हाई, जब आर की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होगी तब हम इस क्वेश्चन को कह सकते हैं जेड बाई बी इक्वल टू आर स्केयर अपॉन वन माइनस आर स्केयर, ठीक है, ये आता है।
क्यों आता है? क्योंकि टू जीटा काफ़ी स्मॉल होता है, जीटा की वैल्यू 0.15, 0.25, 0.3 कम होता है, और अगर मेरा आर काफ़ी ज़्यादा है, 4 है, 5 है, 6 है, तो उसके कंपैरिजन में 2 जीटा आर का होल स्क्वायर जो है इसके कंपैरिजन 1-r² स्क्वायर के कंपैरिजन में काफ़ी कम होता है, तो ये टर्म मेरे एक तरह से नेग्लिजिबल हो जाती है। तो बचता है मेरे पास ये, ठीक, क्लियर, स्क्वायर से ये स्क्वायर हट जाता है, तो बचता है मेरा 1+1-r², ठीक। अब अगर मेरा आर काफ़ी ज़्यादा है, सपोज आर है 5, तो ये ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 25, नीचे आ जाएगा 24, तो अप्रोक्सीमेट इसका डिवीज़न क्या आता है, 1, अप्रोक्सीमेट 1 के इक्वल आ जाता है, तो जेड अपॉन बी हमारे पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या आती है, 1, क्लियर। तो इट मीन्स अगर हम देखें, देखिए हमने देखा सपोर्ट का डिस्प्लेसमेंट ये वाई है, सपोर्ट का डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये वाई, और रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या है, जेड, ठीक। तो जब इसको हम इस इंस्ट्रूमेंट को यहाँ से हमें क्या रीडिंग मिलती है, जेड, यहाँ से हमें मिलती है बी, जब ये जेड रीडिंग मुझे आ रही है और हमने देखा जेड इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू बी, इट मीन्स कि जो रीडिंग हमें मिल रही है वही वाइब्रेटिंग बॉडी के डिस्प्लेसमेंट है। फिर जो रीडिंग हमें ये सीजमिक मास या सीजमिक इंस्ट्रूमेंट दे रहा है वो हमारे किसके इक्वल है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। तो वाइब्रोमीटर में क्या है, वाइब्रोमीटर को अगर आपको डिज़ाइन करना है तो आपको फ्रीक्वेंसी रेशियो को काफ़ी हाई रखना है, तब आप वाइब्रोमीटर को डिज़ाइन कर सकते हैं, क्योंकि हमने यही एजम्पशन ली है। हमारी एजम्पशन क्या थी, व्हेन द वैल्यू ऑफ आर इज़ वेरी हाई, जब हाई होता है तभी उस केस में जेड इक्वल टू बी आता है, जब हाई होता है तभी उस केस में जेड इक्वल टू बी आ जाता है, ठीक है। हैंस इट कैन बी ऑब्जर्व फ्रॉम हियर दैट अ रिलेटिव एम्पलीट्यूड जेड, ठीक है, रीडिंग ऑब्टेन फ्रॉम इंस्ट्रूमेंट इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी बी, क्लियर। मतलब कि जो रीडिंग हमें मिल रही है वो डायरेक्ट क्या है, वाइब्रेटिंग बॉडी की डिस्प्लेसमेंट है, ठीक। और हमने ग्राफ में भी देखा था व्हेन आर इज़ ग्रेटर देन 3 देन जेड इज़ इक्वल टू बी, जेड इज़ इक्वल टू बी, क्यों, क्योंकि वो 1 की तरफ जा रहा था, जेड बाई बी रेशो कितना आया था हमारा, जेड बाई बी 1 के आ रहा था, जब आर ग्रेटर देन 3 था तो सारे के किसी भी जीटा पे हम देख रहे थे सबके सब कर्व कहाँ करते, 1 की तरफ मूव कर रहे थे, तो इट मीन्स जेड बाई बी क्या आ रहा था, 1 आ रहा था, तो जेड इक्वल टू बी, ठीक है। तो जब वैन ग्रेटर आर ग्रेटर देन 3 होगा तो जेड ऑटोमेटिकली हमें क्या मिलेगा, बी मिलेगा, ठीक है। इसलिए हमने ग्राफ में आर ग्रेटर देन 3 को क्या शो किया था, वाइब्रोमीटर। ये क्लियर हो गया ये पॉइंट यहाँ पे, ठीक। अब जैसे कि अगर आर ग्रेटर होगा, फ्रीक्वेंसी रेशो आर इज़ वेरी हाई, ठीक है, आर क्या होता है, ओमेगा बाय ओमेगा एन, आर क्या होता है हमारा, हम यहाँ देख लेते हैं, आर क्या है हमारा, आर इक्वल टू ओमेगा बाय ओमेगा एन, ठीक। आर ग्रेटर कब होगा, आर ग्रेटर कब होगा, जब ओमेगा एन मेरा काफ़ी कम होगा तब मेरा आर क्या होगा, ग्रेटर होगा, ठीक है। ओमेगा एन कम कब होता है, ओमेगा एन का फॉर्मूला होता है रूट में के बाय एम, ठीक है। इट मीन्स ओमेगा एन कब कब होगा, जब मैं मास की वैल्यू को बढ़ा दूं, जब मेरा मास बहुत ज़्यादा होगा उस सिस्टम का मास, उस सीज़मिक इंस्ट्रूमेंट का मास काफ़ी ज़्यादा होगा तभी ओमेगा एन कम हो सकता है, ठीक। जब ओमेगा एन कम हो जाएगा तो हमारा आर बढ़ जाएगा, ठीक है, ठीक। तो इसलिए इस ओमेगा एन हमारा कम है, इसलिए इसको हम बोलते हैं लो फ्रीक्वेंसी ट्रांसड्यूसर या लो फ्रीक्वेंसी इंस्ट्रूमेंट भी बोलते हैं, वाइब्रोमीटर आर आल्सो नोन एज लो फ्रीक्वेंसी ट्रांसड्यूसर, क्लियर, ठीक। अब देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जब फ्रीक्वेंसी कम है तो हमारा सीज़मिक यूनिट का मास बढ़ गया, जब उसका मास बढ़ गया इट मीन्स कि वो कम्पैक्ट नहीं रहा, वो काफ़ी बल्की साइज़ में हो गया, जब वो बल्की साइज़ में हो गया तो इसका एप्लीकेशन कम हो गई है, मतलब इसको हम हर जगह यूज़ नहीं कर सकते हैं, ये ड्रॉबैक है। वाइब्रोमीटर का ड्रॉबैक क्या है, इट्स साइज, किसका साइज़ ज़्यादा होता है, तो बट फिर भी ये हमारा कई जगह यूज होता है, जैसे हमें ब्रिज की वाइब्रेशन मेज़र करनी है, बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स की वाइब्रेशन मेज़र करनी है, ठीक, जहाँ भी हमारा काफ़ी बड़ा स्ट्रक्चर या मशीनरी सिस्टम है वहाँ पर वाइब्रेशन के डिस्प्लेसमेंट मेज़र करने के लिए हम वाइब्रोमीटर को यूज़ कर लेते हैं, ठीक। ये हो गया हमारा वाइब्रोमीटर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सेलेरोमीटर। ओके,
एक्सेलेरोमीटर का काम क्या है, नाम ही इंडिकेट कर रही है, एक्सेलेरेशन को मेजर करना, किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी की एक्सेलेरेशन को मेजर करना। और इसको हम बोलते हैं हाई नेचर फ्रीक्वेंसी ट्रांसड्यूसर, वाइब्रोमीटर को बोलते हैं लो नेचर फ्रीक्वेंसी, इसको बोलते हैं हाई नेचर फ्रीक्वेंसी। एक्सेलेरोमीटर आर वाइडली यूज। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये बहुत बार कंपिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि एक्सेलेरोमीटर को हम सबसे ज़्यादा यूज़ क्यों करते हैं, ठीक है, ये हो गया। और दूसरा अर्थक्वेक मेजर करने के लिए भी हम एक्सेलेरोमीटर को यूज़ कर रहे हैं, हम इसको देखेंगे अभी आगे कि इसको वाइडली यूज़ क्यों कर रहे हैं। फ्रॉम द एक्सेलेरोमीटर रिकॉर्ड द वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट्स आर ऑब्टेन बाय इंटीग्रेशन, मतलब कि अगर आपको डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी भी ऑब्टेन करनी है तो आप एक्सेलेरोमीटर से निकाल सकते हैं। तो हमारे पास ये भी एक बेनिफिट है कि अगर हमें एक्सेलेरोमीटर को यूज़ कर रहे हैं तो उसको यूज़ करके हम वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हैं। बट वो काम तो हम वाइब्रोमीटर से भी कर सकते हैं, क्योंकि वाइब्रोमीटर से अगर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आती है तो हम उसको क्या करते हैं, उस एक्सेलेरेशन और वेलोसिटी सब निकाल सकते हैं डिफरेंशिएट करके, क्लियर। बट यहाँ पर क्या है, एक्सेलेरोमीटर को ही यूज़ करना है। वो क्यों यूज़ करना है वो हम नेक्स्ट देखते हैं। हमारे पास ये रिलेशन पता है, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया। अब अगर R की वैल्यू काफ़ी कम हो जाएगी, R की वैल्यू कम हो जाएगी तो मेरी जो रूट वाई टर्म है, R कम हो गया, जीटा भी कम है तो ये वैनिश हो गया। R कम हो गया तो नीचे क्या टर्म बचती है, सिर्फ अप्रोक्सीमेटली 1 बचता है। तो हमारे पास ये रूट वाई टर्म कितनी आती है, अप्रोक्सीमेटली 1 के इक्वल आ जाती है। तो जेड बाई बी इक्वल टू आर स्क्वायर एंड जेड इक्वल टू बी। आर क्या आता है, ओमेगा बाई ओमेगा एन, तो ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा एन का होल ओमेगा एन का स्क्वायर। तो जेड इक्वल टू बी ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा एन स्क्वायर। ये बड़े सिंपल से मैथमेटिक्स है, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अब अगर आप देखें, हमने देखा था कि सपोर्ट का मोशन क्या है, वाई इक्वल टू बी साइन ओमेगा टी। अगर हम इसको 2 टाइम डिफरेंशिएट कर दें तो हमें मिलता है माइनस बी ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पर इसका ये क्या है, ये है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन किसका, उस सपोर्ट का। सपोर्ट क्या है, मशीनरी, जिस मशीन के ऊपर हमने वो इंस्ट्रूमेंट रखा है, सीजनिंग इंस्ट्रूमेंट, क्लियर। तो हमारा क्या है, ये बी ओमेगा स्क्वायर क्या देता है हमें, एक्सेलरेशन देता है। किस चीज़ की एक्सेलरेशन देता है हमें, वाइब्रेटिंग बॉडी की। द टर्म बी ओमेगा स्क्वायर इज़ द एक्सेलरेशन एम्पलीट्यूड ऑफ ए वाइब्रेटिंग बॉडी, ठीक है। इट मीन्स कि अगर हमें जेड जो रीडिंग आ रही है उस इंस्ट्रूमेंट से वो किसके इक्वल है, बी ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है। बट कंडीशन इज़ दैट आर हमारा कम होना चाहिए। और दूसरी चीज़, ओमेगा एन, यहाँ पे ओमेगा एन भी तो है मेरा, ये ओमेगा एन मेरा कॉन्स्टेंट होना चाहिए, वेरी नहीं करना चाहिए, ठीक है, फिक्स कर देना है ओमेगा एन को। हैंस द एम्पलीट्यूड रिकॉर्डेड जेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन ऑफ ए वाइब्रेटिंग बॉडी, बट कंडीशन इज दैट द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज फिक्स। क्योंकि अगर ओमेगा एन वेरी कर रहा है हम, तो हम जेड इक्वल टू आपका डायरेक्ट एक्सेलरेशन के प्रोपोर्शनल नहीं होगा, ठीक। अब हमने ऊपर जो ग्राफ देखा था, ठीक है, उसमें हमने देखा था ना कि बहुत आर की लेस वैल्यू के लिए हम एक्सेलेरोमीटर को शो कर रहे हैं। देख लेते हैं एक बार ग्राफ। देखिए इस ग्राफ में, इस पॉइंट पे आइए, ये एक्सेलेरोमीटर कहाँ शो कर रहे हैं हम, काफ़ी कम वैल्यू पे। इस काफ़ी कम रेंज में हम क्या कर रहे हैं, एक्सेलेरोमीटर को शो कर रहे हैं। इट मीन्स लेसर वैल्यू ऑफ आर का मतलब है हमारी नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी। फॉर लेस वैल्यू ऑफ आर हमने देखा, तो ये कब पॉसिबल है, जो आर क्या है, अभी हमने देखा ओमेगा बाय ओमेगा एन, ओमेगा एन जब हमारा क्या होगा, ज़्यादा होगा तो आर हमारा कम हो जाएगा। ओमेगा एन कब ज़्यादा होगा, ओमेगा एन के बाय एम कब ओमेगा एन हमारा कब ज़्यादा होगा, जब मेरा मास क्या होगा, कम होगा। तो जब मास कम होगा ओमेगा एन बढ़ जाएगा, और जब मास कम होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, ये इंस्ट्रूमेंट का मास कम हो गया तो एक्सेलेरोमीटर क्या होगा, लाइट एंड कम्पैक्ट इन कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। तो एक्सेलेरोमीटर का जो सबसे ज़्यादा यूज़ करने का रीज़न क्या है, उसका लाइट वेट एंड कम्पैक्ट इन कंस्ट्रक्शन, इसलिए एक्सेलेरोमीटर को सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। क्यों, क्योंकि वो क्या है, उसका बहुत स्मॉल साइज है, हाई सेंसिटिविटी है, कम्पैक्ट इन साइज है, इसलिए एक्सेलेरोमीटर्स आर प्रेफर्ड इन वाइब्रेशन इंस्ट्रूमेंट। तो ये पॉइंट हमने जब ऊपर डिस्कस किया था कि एक्सेलेरोमीटर को हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, उसका रीज़न यही है, क्योंकि ये स्मॉल साइज और कम्पैक्ट इन नेचर है। तो यही हमारा रीज़न है कि हम इसको सबसे ज़्यादा यूज़ क्यों कर रहे हैं। सब तो आपको ये क्लियर हो गया, और ये हमारा पॉइंट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इंजीनियरिंग सर्विस में कई बार पूछा गया कि एक्सेलेरोमीटर को हम सबसे ज़्यादा यूज़ क्यों करते हैं, ठीक। तो ये हमारा हो गया एक्सेलेरोमीटर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रीक्वेंसी मेजरिंग डिवाइस। फ्रीक्वेंसी मेजरिंग डिवाइस का प्रिंसिपल क्या है, रेजोनेंस। ये रेजोनेंस के प्रिंसिपल वर्क करता है, क्यों करता है, कैसे करता है, अभी हम डिस्कस कर लेंगे। तो इसके दो टाइप हैं,
जो हम स्टडी कर रहे हैं यहाँ पर वो है फुलर्टन टैकोमीटर एंड फ्रैम टैकोमीटर। क्लियर। अब हम फुलर्टन टैकोमीटर पे आ जाते हैं। ये होता है हमारा फुलर्टन टैकोमीटर, सिंपल, एकदम सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट है, होता कुछ नहीं है। ये हमारा एक स्टैंड होता है, इस स्टैंड को ये हमारा स्क्रू मैकेनिज्म के थ्रू कॉन्टैक्ट में होता है यहाँ पर, और ये हमारे पास एक स्ट्रिप होती है। ये हमारे पास क्या है, एक स्ट्रिप है। क्लियर। इसके एंड पे हमने एक मास अटैच किया हुआ है, ठीक है। अब हमने क्या करना होता है, सपोज यहाँ पर इस स्ट्रिप को हमने एक वाइब्रेटिंग बॉडी के साथ कॉन्टैक्ट में रखा है, जिसकी हमने फ्रिक्वेंसी मान ली है। ये हमारा क्या है, वाइब्रेटिंग बॉडी है। इस वाइब्रेटिंग बॉडी की मुझे फ्रीक्वेंसी मेजर करनी है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको इसके साथ कॉन्टैक्ट में लाया। अब मैं क्या करता हूँ, इसकी लेंथ को वेरी करता हूँ, इसकी लेंथ को वेरी करता हूँ। वेरी करने के बाद एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ लेंथ पे ये मेरा जो सबसे ज़्यादा वाइब्रेट करने लगेगी, ये जो मेरी स्ट्रिप है ये क्या होगा, सबसे ज़्यादा वाइब्रेट करना पड़ेगा, सबसे ज़्यादा वाइब्रेट करने लगेगा। कोई भी चीज़ सबसे ज़्यादा वाइब्रेट किस कंडीशन पे करती है, रेजोनेंस पे। जैसे ही रेजोनेंट कंडीशन आएगी, तुरंत हमारे, हमें एक पॉइंट ध्यान देना है कि ये जो स्ट्रिप है, स्ट्रिप इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, क्लियर, उसका क्या हो जाएगी, वाइब्रेटिंग बॉडी की फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाएगी, वाइब्रेटिंग बॉडी की फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि रेजोनेंस में क्या होता है, जो भी हमारा नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वन इज इक्वल टू नेचुरल इक्वल टू फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी। अब इस वाइब्रेटिंग बॉडी की फ्रीक्वेंसी, जो फोर्स की फ्रीक्वेंसी है, वो स्ट्रिप की फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगी, मीन्स रेजोनेंस कंडीशन होगी। इसलिए हमने कहा था कि ये रेजोनेंस की फ्रीक्वेंसी पे, रेजोनेंस के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। अब हमें क्या होगा, अब हमने क्या करना है, अब इस ये जो हमारी एक पर्टिकुलर लेंथ आई है, इस लेंथ के बेस पे हम इसकी फ्रीक्वेंसी निकाल देंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी को हम फाइनल, जैसे हमें इसकी फ्रीक्वेंसी पता चलेगी, वही फ्रीक्वेंसी इस वाइब्रेटिंग बॉडी की फ्रीक्वेंसी होगी, वही फ्रीक्वेंसी इस वाइब्रेटिंग बॉडी की फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। अब इस स्ट्रिप की फ्रीक्वेंसी निकालने का प्रिंसिपल क्या है, हम जानते हैं। अब देखिए, अगर आप ध्यान दें, ये जो हमारी स्ट्रिप है एज ए कैंटिलीवर बन गई है, ये जो मेरी स्ट्रिप है एज ए कैंटिलीवर है, यहाँ पे फिक्स हो गई। हम इस स्क्रू से टाइट कर देते हैं, जहाँ पे सबसे ज़्यादा वाइब्रेशन होता है, जहाँ जिस लेंथ पे सबसे ज़्यादा वाइब्रेशन होगा, हम स्क्रू को वहाँ पे टाइट कर देंगे। जब हमने इसको यहाँ पे टाइट किया, यहाँ पे ये टाइट हो गया, तो मेरे पास एक लेंथ पे ये टाइट हुआ, वो लेंथ आ गई, इसका मास हमें पता ही है, तो कैंटिलीवर बन गया। कैंटिलीवर का फॉर्मूला क्या है डिफ्लेक्शन का, डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 3EI। ई क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ स्ट्रिप मटेरियल। आई क्या है, मास मोमेंट ऑफ एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्ट्रिप। एल क्या है, वो लेंथ जिस पे वो रेजोनेंस की कंडीशन है करोगी, मास हमें पता ही है। क्लियर। तो स्टिफनेस क्या होता है, यहाँ से हमारे पास स्टिफनेस आ गया, डब्ल्यू बाय डेल। क्लियर, डब्ल्यू बाय डेल से आ गया, तो हमारे पास 3EI अपॉन एल क्यूब होगा। और फॉर्मूला क्या होता है, उनमें फ्रीक्वेंसी का, स्टिफनेस अपॉन मास। ऑफ फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, रूट में के बाय एम। के क्या आया, 3EI अपॉन एल क्यूब, 3EI, ये 3EI अपॉन एल क्यूब अपॉन मास। ये हमारे पास क्या गया, फ्रीक्वेंसी आ गई। अब यही फ्रीक्वेंसी जो आई हमारी, यही किसके इक्वल है, ये फ्रीक्वेंसी किसकी आई, स्ट्रिप की आई, और रेजोनेंस कंडीशन के कारण ऑटोमेटिकली ये किसके इक्वल होगी, वाइब्रेटिंग बॉडी की फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगी। तो अगर आपके पास इसके ऊपर न्यूमेरिकल आता है, तो आपको इसी फॉर्मूले को यूज़ करना है। आपने इस कैंटिलीवर की डिफ्लेक्शन निकालनी है, फिर वहाँ से स्टिफनेस निकालनी है, देन आप उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकाल दिए। वो जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी आएगी ड्यू टू रेजोनेंस कंडीशन, वो ऑटोमेटिकली क्या होगी, वाइब्रेटिंग बॉडी की फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाएगी। क्लियर। ये तो क्या हो गया हमारा, फुलर्टन टैकोमीटर। दूसरा है हमारा फ्रैम टैकोमीटर। बहुत सिंपल प्रिंसिपल है इसका, इसका भी एकदम रेजोनेंस प्रिंसिपल है, और इसमें हमें कोई लेंथ वेरी नहीं करनी है, सब कुछ सेट है, लेंथ सबकी इक्वल है, बस यहाँ पे ये मास वेरी करता है। क्लियर, मास वेरी कर रहा है। अब सबकी अपनी एक एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। इस सपोज इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है ओमेगा N1, इसकी फ्रीक्वेंसी है ओमेगा N2, इसकी फ्रीक्वेंसी है ओमेगा N3, सबकी अपनी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। अब इस इंस्ट्रूमेंट को, ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ये इस इंस्ट्रूमेंट को जैसे ही मैं इस वाइब्रेटिंग बॉडी के साथ कॉन्टैक्ट में लाता हूँ, उसी वक्त मैं देखता हूँ कि कोई एक स्ट्रिप ऐसी होगी, 1, 2, 3, 4 इतनी सारी स्ट्रिप हैं, कोई एक ऐसी स्ट्रिप होगी जो सबसे ज़्यादा क्या कर रही होगी, वाइब्रेट कर रही होगी। जो सबसे ज़्यादा वाइब्रेट कर रही होगी उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी, वो देखने की कौन सी स्ट्रिप है, उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी हमें पहले से पता है। हमने स्ट्रिप को सबको ही डिज़ाइन ऐसे किया, सबकी फ्रीक्वेंसी हमें पहले से पता है।
जैसे ही जो सबसे ज़्यादा वाइब्रेट करे, इट मीन्स वो रेजोनेंस कंडीशन हो गया ना, सो वाइब्रेटिंग बॉडी की फ्रीक्वेंसी के साथ उस स्ट्रिप की फ्रीक्वेंसी मैच हो गई, इट मीन्स रेजोनेंस कंडीशन हो गई, इट मीन्स कि उस स्ट्रिप की फ्रीक्वेंसी ही उस वाइब्रेटिंग बॉडी की फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ से हम फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं, क्लियर। तो ये हमारा हो गया फ्रेम टेक्नोमीटर। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द सम न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स ऑफ द वाइब्रेशन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, मेनी टाइम्स दे दिस क्वेश्चन हैव बीन आस्क्ड इन यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन। थैंक यू वेरी मच।